अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बेटा आज का जो हमारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। और इसका फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो कहता है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज टू डिश। सेल्फ फ्रैक्शनेशन हमने पढ़ा है कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन में क्या होता है कि हम सेपरेट करते हैं तमाम ऑर्गेनेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। तो इस चारों अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो साइज जिसमें आता है टू डिटरमाइन साइज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। पीछे भी पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स को डिवाइड करना, सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सेकंड ऑप्शन है द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल इज much larger than the corresponding volume in animal cells, or the most reasonable explanation for this observation is that अब आपको पता है कि प्लांट सेल का जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसे बड़ी इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे प्लांट्स के पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और वो छोटी वैक्यूल नहीं होता, वो होते लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन जो प्लांट की होती है उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसमें कहता है कि प्लांट सेल्स कंटेन अ लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल क्या कंटेन करते हैं, लार्ज वैक्यूल्स कंटेन करते हैं, दैट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और थर्ड एमसीक्यूज है, वो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो होगा प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे होगा, कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हमने जीन एक्सप्रेशन में पढ़ी है, उसमें क्या होता है, हमें पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन ही राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जो आपने जीन एक्सप्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। अब जो चौथा एमसीक्यूज है वो कहता है कि इन एनिमल सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर पैक्ड टू प्रिवेंट the general destruction of cellular components, which of the following organelle function in the compartmentalization। बड़ा मुश्किल वर्ड है माशाल्लाह से। चलो बेटा, अब में होगा लाइसोसोम्स। बेटा कैसे होगा, वो कहता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में पैक होते हैं। हमें पता है कि जो हमारी गल्जी बॉडी होती है ना, वो लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन करती है, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम्स, विच इज़ ऑप्शन बी। अब हम दूसरे पेज की तरफ पढ़ते हैं, लेट्स गो। अच्छा, पंजवा जो एमसीक्यूज है वो कहता है टी सेक्स डिजीजेस इज़ अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन सेल्स एक्यूमुलेटिंग एंड बिकमिंग क्लोन्ड विद वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स विच सेलुलर ऑर्गेनेल मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। आपको पता है कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है जिसका टाइप है टी सेक्स डिजीजेस। तो इसमें आपको बता रहा है कि टी सेक्स जो है ना, वो एक डिजीज़ है जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, और कौन सा जो ऑर्गेनेल है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो होता है लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम की स्टोरी, ये लाइसोसोम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी वजह से यही डिजीज़ होती है। ठीक है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आगे आते हैं, वो कहता है विच इज़ वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सेल। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी 90% एनर्जी जो होता है ना, वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। और आगे कहता है ऑर्गेनेल दैट ऑर्गेनेल अदर दैन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के जो डीएनए कंटेन करता है न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के तो के पास तो होता है डीएनए, और किसी ऑर्गेनेल के पास डीएनए होता है। सो आई एम श्योर माइटोकॉन्ड्रिया भी हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, यानी इन दोनों के पास क्या है, अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो उसमें होते हैं 37 जीन्स, आपको याद रखना चाहिए, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि यानी क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है और
माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है बेटा। अब आके व्हिच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट और एनिमल। तो बेटा अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, अगर आप सेल वॉल की बात करें तो वो भी सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। सेंट्रल वैक्यूल जो टोनोप्लास्ट होता है, आपको पता है वैक्यूल उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब कि तमाम वैक्यूल्स कंबाइन, छोटे छोटे वैक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा वैक्यूल बताते हैं जैसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, वो भी सिर्फ प्लांट्स के पास होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है, एक ऐसी बंदी है, एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट्स के पास भी होती है और एनिमल्स के पास भी होती है, ठीक है। अब आगे सेल ऑर्गेनिज्म फाइनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो ज़्यादा कंसर्न होता है डिटॉक्सिफिकेशन? कलर, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कलर पिगमेंट है बेटा, कुछ नहीं है। वैक्यूल एक वैक्यूल है जिस जो चीज़ों को स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है। तो पेरोक्सिज्म हमने पहले भी पढ़ा है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करवाता है। यानी अगर आप अल्कोहल कोई बंदा शराब पी नशा कर ले, फिर क्या होता है कि उसमें पेरोक्सिज्म कांड करना शुरू कर देता है और उस अल्कोहल को हाईली टॉक्सिक को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहरहाल हम कंसर्न नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, ठीक है। अब लास्ट शुक्र, अब क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली क्या कॉल्ड कल्डेश। हमने ये नाइन्थ में भी पढ़ा, मैट्रिक में भी पढ़ रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ इमेज हम रिजोल्यूशन को कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लैरिटी ऑफ इमेज क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो। थैंक यू, बाय।